अब हम पार्ट टू के बारे में बताने जा रहे हैं। पार्ट टू में पठित कवितांश आता है जो इस प्रकार से है। हमने आपको हिंदी लिटरेचर के पार्ट एक मेरा देश का, जो पार्ट एक के अंतर्गत है, उसमें भावार्थ समझाया था और उसी के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर भी कराए थे। अब हम पार्ट टू कराने जा रहे हैं जो पठित कवितांश कहलाता है। पठित कवितांश निम्नलिखित है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है, गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसी पर आधारित अब निम्नलिखित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए और समझिए। कवितांश का पहला प्रश्न है, कवि व कविता का नाम लिखिए। उत्तर एक, कवि सोहनलाल द्विवेदी तथा कविता मेरा देश है। प्रश्न दो, सिंधु किसके पैर पखारता है? उत्तर दो, सिंधु हिमालय के पैर पखारता है। प्रश्न तीन, किन दो नदियों का वर्णन कवितांश में किया गया है? उत्तर तीन, गंगा तथा यमुना दो नदियों का वर्णन कवितांश में किया गया है। प्रश्न चार, कवि ने भारत भूमि को किन किन विशेषण से अलंकृत किया? उत्तर चार, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ण भूमि, जन्म भूमि, पुण्य भूमि, मातृभूमि आदि विशेषणों से अलंकृत किया। प्रश्न पाँच, हिमालय के ऊपर तथा नीचे क्या है? उत्तर पाँच, हिमालय के ऊपर आकाश तथा नीचे सागर है। आप लोग बच्चों इनको करिएगा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में और एक एक करके लिखते जाइएगा जो हम आपको समझा चुके हैं, और जहाँ समझ में नहीं आया उसको पॉज कर करके भी देख लीजिएगा। जब लॉकडाउन खुलेगा हम हर बच्चे की कॉपी को चेक करेंगे।